हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको एमपी आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ बतलाने वाला हूं, क्या रही थी 2023 की कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ, ठीक है। और साथ में आपको मैं यहां पर कॉलेज भी बताऊंगा कि लास्ट रैंक पर या लास्ट मार्क्स पर कैटेगरी वाइज कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड अगर, और ये जो आज मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो बीएमएस की बता रहा हूं, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसी तरह राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज आपको मैं बीएचएमएस की कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, मैं प्राइवेट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर यानी कि 2023 में 437 मार्क्स पर क्लोज हो गया था। और वो जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर। वही अगर मैं, अब देखो एमबीए में क्या होता है, एक तो मेल का कोटा होता है, एक फीमेल का कोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, हालांकि उस रिजर्वेशन का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फीमेल कोटा जो होता है उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका फायदा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो रिजर्वेशन का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो 437 मार्क्स वही सेम नंबर रहा था और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर। वही अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की, तो 428 पर क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में और कॉलेज था बुरहानपुर। वही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की, तो 433 मार्क्स पर क्लोज हो गया था, कॉलेज वही सेम था बुरहानपुर। वही अगर मैं बात करता हूं ओबीसी मेल कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 431 पर क्लोज हो गया था। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो 431 यानी कि सेम मार्क्स पर क्लोज हुआ था और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, बुरहानपुर। वही अगर मैं एससी की बात करूँ, मेल की बात करता हूँ, तो वहाँ पर 322 मार्क्स पर क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में। वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं 324 और कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बुरहानपुर। वही अगर मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की, 256 मार्क्स पर ये क्लोज हो गया था। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 258 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में, और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रीवा, ठीक है। वह अगर मैं सेकंड राउंड की बात करता हूँ, तो सेकंड राउंड में अगर मैं जनरल कैटेगरी और मेल की बात करता हूँ, 452 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ था और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रीवा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल कैटेगरी में यहाँ पर सेकंड राउंड में कट ऑफ जो हो गई थी वो क्या हो गई थी, थोड़ी इंक्रीज होकर आई थी। वही अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, तो वही सेम मार्क्स पर जो फर्स्ट राउंड में रही थी यानी कि 437 मार्क्स, उस पर क्लोज हो गया था सेकंड राउंड में और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रीवा। वही अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की, 423 मार्क्स पर क्लोज हुआ था और कॉलेज था बुरहानपुर। वही अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, 428 मार्क्स और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बुरहानपुर। वही अगर मैं ओबीसी मेल की बात करता हूँ, तो 429 मार्क्स पर क्लोज हो गया था, फीमेल की बात करते 433 मार्क्स पर क्लोज हो गया था और कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बुरहानपुर। एससी मेल कैटेगरी की बात करते 320 पर क्लोज हुआ था, फीमेल की बात करते 327 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। एसटी मेल की बात करते हैं, 254 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ था और कॉलेज कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रीवा। एसटी फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, 250 मार्क्स पर क्लोज हुआ था और कॉलेज कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रीवा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड में, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। वहीं यहाँ पर करीबन यहाँ पर आप डिफरेंस को देखेंगे तो 3 से 4 मार्क्स का हर कैटेगरी में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो भी फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, ठीक है। तो आपके अगर फर्स्ट राउंड में जो यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बताइए लास्ट ईयर की, अगर इसके आसपास मार्क्स से तो आप सेफ जोन में रहिए, आपको गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और देखो अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आपको मैं थर्ड राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ, ये एक फाइनल कट ऑफ होती है, इससे आप अंदाजा लगा लेना कि अगर आपके इसके आसपास मार्क्स है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के और अगर आपके मार्क्स 432 के आसपास है तो आपको इस साल भी क्या हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और लास्ट ईयर जो अलॉट हुआ था इस मार्क्स पर वो था गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर। वही अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ जनरल में, तो 435 मार्क्स पर क्लोज हो गया था और कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर। अब ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कोई सीट नहीं बची थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी मेल कैटेगरी की, 427 मार्क्स पर क्लोज हुआ था और कॉलेज कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर। वही अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैटेगरी में, 430
मार्क्स पर क्लोज हो गया था, एससी की बात करते 315 मार्क्स पर क्लोज हो गया था, और फीमेल की बात करते एससी में तो वो भी सेम 315 मार्क्स रहा था, कॉलेज सेम अलॉट हुआ था गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ब्रांडपुर। एसटी कैटेगरी की बात करते 260 मार्क्स, और फीमेल कैटेगरी की बात करते 258 मार्क्स, और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कौन सा था, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बुरहानपुर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सेकंड से अगर आप थर्ड राउंड में कंपैरिजन करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। वही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हर कैटेगरी में आपको यहाँ पर कितना 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 4 से 5 नंबर का। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स जो थर्ड राउंड की कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके आसपास मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है, आपको इस साल भी क्या हो जाएगा, एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स, अगर मैं चलो एक सेफ स्कोर अगर मैं एक बार फिर से आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कितने हैं 430 के आसपास है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वही अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अगर आपके मार्क्स कितने हैं 430 के आसपास है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वही अगर मैं बात करता हूं किसकी, ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आपके मार्क्स 425 के आसपास से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कितने हैं 315 के आसपास से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वही अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 255 के आसपास से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 4 to 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने आपके मार्क्स से इसमें आप चार या तो क्या हो जाएगा, चार से पांच मार्क्स थोड़ी कट ऑफ बढ़ कर आ सकती है या थोड़ी क्या हो सकती है यहाँ पर कम होकर आ सकती है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको क्या हो जाएगा लास्ट राउंड तक। और यहाँ पर मैं लास्ट राउंड किसको मान रहा हूँ, थर्ड राउंड को मान रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद और भी 2 राउंड होते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, वो स्ट्रे राउंड के नाम पर हुआ था, लेकिन एक तरह से वो कैसा था, कॉलेज राउंड था। ठीक है, तो मैं उसकी कट ऑफ को फिक्स नहीं मानता हूँ क्योंकि वो कट ऑफ जो होती है क्या करती है, वेरी करती है। हालांकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, इससे जिसके कम मार्क्स थे उसको भी कॉलेज अलॉट हुआ था, और वो कब हुआ था, कॉलेज राउंड में हुआ था, है ना, जिसकी कट ऑफ जो है आपको कॉलेज से ही मिलेगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट तक क्या अलॉट हुआ था तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यही एक तरह का क्या होता है, सेफ मार्क्स होता है, अगर इसके आसपास मार्क्स है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये मैं कब तक की बात कर रहा हूँ, थर्ड राउंड तक की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोचे कि इस मार्क्स पर मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए तो नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कब तक, थर्ड राउंड तक। ठीक है, लेकिन इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है इस साल भी। ठीक, और अगर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप क्या करिए, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आयुर्वेदा थिंग्स, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा। मैंने वहां पर कॉलेज वाइज कट ऑफ दे रखी है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की मैंने यहाँ पर दे रखी है, गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने यहाँ पर दे रखी है, मैंने यहाँ पर फी स्ट्रक्चर आपको बता रखा है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती है वो सब मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन में अपलोड कर रखी है। आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और आपके मैं वहाँ पर पर्सनल चॉइस फिलिंग करूंगा, आपको जो भी डाउट होगा काउंसलिंग से रिगार्डिंग वो आपके सारे डाउट मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक आपको मैं गाइड करूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से मैंने आपको आज गवर्नमेंट बीएमएस की कट ऑफ बताई, वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बीएचएमएस की बताऊंगा, और इस तरह से काउंसलिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं लगातार मेरे चैनल पर देता रहता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।